क्रूज भी लगा हुआ है यहाँ पर, नौका से जो है नौका विहार से क्रूज वाला जो फैसिलिटी है ना वो। इधर देखोगे तो भैया अपना एक अलग वीडियो शूट करने के प्लान में है, उनको कुछ वीडियो शूट करना है। तो ये था कुछ हम लोगों का ढाबा था जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और यहीं पे जो हम लोग खाए। तो आज लास्ट दिन है गोरखपुर में और पता नहीं फिर दोबारा कब आना है लगता है दोनों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मेरा गोरखपुर में लास्ट डे है और आखिरी दिन है, तो अभी लगभग रात का बज रहा 9 और मैं और मेरे जो भाई लोग जा रहे हैं नाइट आउटिंग के लिए रात में भी गोरखपुर में, और ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे को कल निकलना है सुबह में। तो भैया और मैंने प्लान किया कि अभी थोड़ा चलते हैं नाइट आउटिंग के लिए और देखते हैं रात में थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं क्योंकि आखिरी दिन है तो थोड़ा सा समय बिताते हैं, रात में चलते हैं। तो अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है मतलब कि, लेकिन अभी निकलेंगे और देखते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ घूमना है। तो ब्लॉग में इन तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एक बार फिर से आपके इस ब्लॉग में। तो इससे पहले गोरखपुर के मैंने अपने जितने भी लोकेशंस गए थे एक्सप्लोर करने के लिए सारा मैंने डाला, ये एक पर्सनल ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए इसको भी इन्जॉय करिए और भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। अभी भैया आने वाले हैं, चलते हैं बाहर घूमने के लिए। तो व्लॉग में फिर से एंड तक बने रहिए और बहुत ही खूबसूरत सा ये व्लॉग होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है मेरे साथ एक भैया है, संचित भैया है, और पहले तो हाय करिए। हाय। और पहली बार मिले हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर मेरे बाकी दोनों भाइयों से मिला था उनसे पहली बार मिला था, वैसे संचित भैया से भी पहली बार मिले हैं, फुआ के बेटे हैं। तो अभी हम लोग नाइट आउटिंग के लिए निकले थे, तो अभी आए हैं नौका विहार, लेकिन अभी तो पूरा सन्नाटा है चारों तरफ अब देखोगे तो, और मेरे पीछे देखोगे तो उधर एक क्रूज भी लगा हुआ है यहाँ पर, नौका से जो है नौका विहार से क्रूज वाला जो फैसिलिटी है ना वो भी अभी मिल रहा है। बट अभी पूरा सन्नाटा हो चुका है क्योंकि हम लोग आए भी थे 9 या 9:30 बजे के आसपास में। तो ये यहाँ का नौका, थोड़ा सा मैं क्रूज का सीन दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर कहीं और चलेंगे। अभी कहाँ चलना है हमको तो पता नहीं, अभी यही लोग जानते होंगे कहाँ जाना है। तो थोड़ा सा नौका का यहाँ का क्रूज का सीन दिखाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग। सो गाइस आप सामने देख सकते हैं, ये है सामने में, आप देखोगे तो क्रूज जो है वहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ वो आप देखिए, तो ये क्रूज यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ का कुछ व्यू है। लेकिन अभी देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है इधर नौका विहार का। हालांकि मैं इधर एक बार आया था बट इसको एक्सप्लोर नहीं किया था इस जगह को। ये कुछ आप देख सकते हैं, और इधर कुछ लड़ाइयाँ भी उधर चल रही है थोड़ी सी, कुछ लोगों के बीच लड़ाइयाँ भी हो गई है। तो गाइज अभी हम लोग एक जगह पर रुके हुए, वही नौका बिहार वाला एरिया है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अगर अभी तो दिखेगा नहीं वैसे, ये जो है ना ये रामगढ़ ताल शायद इसको यही बोलते हैं, ये नौका बिहार वाला एरिया है। और दिन में इसका जो व्यू है ना काफी ज्यादा खूबसूरत आता है। अभी एक नाव भी लगा हुआ है और जो क्रूज चलता है ना इसी पर चलता है। अभी तो थोड़ा कुहासा है और रात है तो अभी बहुत अच्छा व्यू नहीं आएगा, बट इवनिंग में अगर आता ना तो इसका काफी अच्छा मैं व्यू दिखाता, बहुत अच्छा इसका व्यू आता है। मैंने एक रील्स भी देखा था स्ट्रीट्स ऑफ गोरखपुर आईडी से, उन्होंने यही कर डाला था, तो काफी अच्छा व्यू लगा था। तो इधर देखोगे तो भैया अपना एक अलग वीडियो शूट करने के प्लान में है, उनको कुछ वीडियो शूट करना है। तो ये यहाँ का व्यू है, और पूरा का व्यू देखोगे ना तो रोड का पूरा सजाए हुए, क्योंकि इसी जगह पर गोरखपुर महोत्सव को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका मैंने ब्लॉग डाला था। तो ये कुछ यहाँ का सीन है रामगढ़ ताल में, फिर से आपको व्यू दिखा दूँ ये वाला, तो काफी ज्यादा अच्छा व्यू ये वाला लग रहा था, बट अभी शाम में तो आए नहीं इसलिए इसको दिखा नहीं सकते। तो अभी चलते हम लोग कहीं और, अब दूसरा लोकेशन कुछ खाने के लिए चलते हैं ढाबे पर, यहाँ पर एक ढाबे पर जाते हैं तो वहाँ चलते हैं अभी हम लोग। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ अभी खाने के लिए, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे यहीं पे। देखो भैया लोग जा रहे हैं यहीं पे, ये देखिए इनका गोरा गोरा मुखड़ा कितना चमक रहा है। तो ये मेरा लास्ट दिन यहाँ और इधर शर्मा के भाग कौन, तो आज लास्ट दिन है गोरखपुर में और पता नहीं फिर दोबारा कब आना है, लगता है दोनों भैया के शादी में ही आना पड़ेगा। और इधर देखिए दोनों भैया,
शादी कब करना है? इसी साल करना है, तो इसी साल अगर इन्वाइट करेंगे तो आएंगे जरूर दोबारा, है ना, इसी साल आ जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हम लोग इधर बैठे हैं कुछ खाने के लिए रात में, ये अच्छा खासा है अभी, और इसके बाद थोड़ा बहुत फोटो वोटो लेंगे, उसके बाद गोरखपुर को अलविदा फिर कहना है इस बार के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम का अभी कर नहीं सकते। अगर भैया का साथ हुआ तो इसी बस फिर दोबारा आएंगे भाभी से मिलने के लिए, फिर भाभी के साथ घूमा जाएगा भैया को छोड़ के। फिलहाल ये कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं इधर का, पीछे का पूरा बैकग्राउंड लगे, काफ़ी भीड़ है लेकिन रात में भी यहाँ पे पड़ती है। चम्मच अपना डिश और इसको खा करके उसके बाद जो हम लोग निकलेंगे, और इधर देखोगे तो दोनों भैया लोग, और ये अपना डिश आ गया। सो गाइस अब हम लोग चलेंगे घर की ओर, क्योंकि अब लगभग अच्छा टाइम भी हो गया, काफी देर से हम लोग बाहर है, तो अब हम लोग जाएंगे और इधर अपना जो है वो कार लगा हुआ है भैया लोगों का, और अब हम लोग चलेंगे घर की ओर। अब ये था मेरा लास्ट डे गोरखपुर का, तो इससे पहले मैंने गोरखपुर के चार ब्लॉग्स डाले, तीन या चार, तो होपफुली आप लोग अच्छे लगे होंगे, तो इसको भी जरूर पसंद करना, और हो सकेगा तो मैं अपना जो गोरखपुर से बाहर का ट्रैवल ब्लॉग है वो भी डालने की कोशिश करूंगा अगर बनाता हूँ तो। उसके बाद बाढ़ के लगातार काफ़ी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था कि रेलवे स्टेशन का जो रिजर्वेशन वर्क है उसको पूरा एक्सप्लोर करना है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोग के साथ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।